रहा था, हाँ तो वो आया तो सीधा मतलब गलियों में के पैसे बिखेर रहा था वो। उसको लग गए कहने पे, तू कहाँ से लेके आया? बोले मेरे को तो वहाँ पे मिले हैं ये, मतलब कूड़ा करकट में। 18,16,500 रुपया वहाँ पे हमने गिनती हाँ किया है। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर है, करमगढ़ गांव में खड़े हैं। बताया जा रहा है इस गांव की गलियों में 500 500 के नोट उड़ाई दिखाई दी है लोगों को, यानी कि 500 500 के नोट है वो उड़ रहे थे। आखिर वो 500 500 के नोट कैसे उड़ रहे थे, कैसे ये बात चली, तो ये इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। गांव के सरपंच है कि पूरे गांव के अंदर 500 500 के नोट दिखाई दे रहे थे उड़े हुए, तो वो बातचीत को लेकर हम गांव के सरपंच के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने बुलाया है कि गांव के अंदर 500 500 के नोट है पूरे गांव के अंदर उड़े हुए दिखाई दिए। तो उड़ते हुए कैसे दिखाई दिए, आखिर कहाँ से ये 500 500 के नोट है उड़ रहे थे, वो मामले को लेकर सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि करमगढ़ गांव में 500 500 के नोट है वो उड़ाए जा रहे थे एक व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था, बताया जा रहा है कि नरवाना में कूड़े में से कचरा वगैरह जैसे प्लास्टिक वगैरह ढूंढने लग रहा था। अचानक से नोटों से एक बड़ा बैग मिल जाता है और रातों रात उसकी किस्मत है वो बदल जाती है। और फिर गांव में जब वो पहुंचता है तो यहां पर नोट है जो 500 500 के उड़ाए जाते हैं, तभी गांव के लोगों को भी सूचना मिलती है। उसके बाद क्या कुछ कहानी रहती है वो गांव के लोगों से बातचीत करेंगे जो मौके पर मौजूद थे। जय भगवान जी। नमस्कार जय भगवान जी। नमस्कार जी। तो जय हाँ भगवान जी, आपके गांव का व्यक्ति था जो, जी, वो बताया जा रहा है कि नरवाना कूड़ा कचरा मतलब इस प्रकार से प्लास्टिक वगैरह वो ढूंढ रहा था, हाँ तो जी, अचानक से उसे को पैसों से भरा एक बैग है वो मिल जाता है। उसके बाद गांव में आता है, गांव में आने के बाद क्या कुछ होता है, आप मौके पर थे। गांव में आने के बाद जी वो शराब पी रहा था, हाँ तो वो आया तो सीधा मतलब गलियों में के पैसे बिखेर रहा था। वो पैसे बिखेर रहा था जो वहाँ पे लुगाइया ने 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिए, तो फिर वो खोस लिए, फिर वो दोबारा से फिर ले गया है। ये नहीं पता था वो कितने थे, तो वो सीधा सड़क पे आके गया। मेरे को सूचना मिली कि ये पैसे सेट्टी बिखेर रहा है, तू आ जा यहाँ पे। तो मैं भी वहाँ से दुकान से आया, तो हमारे को इसको जेब में 61 हज़ार रुपये, 65 हज़ार रुपये हमने इसकी जेब से निकाल लिए। निकाल के पैसे हम वहाँ पे गांव में इकट्ठा जो पंचायत है वहाँ पे हमने दे दिए। तो वहाँ पे देने के बाद सेट्टी वहीं पे रह गया। आधे घंटे 20 मिनट के बाद वो चौक में ही पंचायत के सामने ही आ गया। तो हम उसको लग गए कहने पे, तू कहाँ से लेके आया? बोले मेरे को तो वहाँ पे मिले हैं ये, मतलब कूड़ा करकट में। तो हम बोले माँ तेरे को पुलिस में बल फंसाएंगे तेरे को, तू सच बता। मिला बस वहीं पे मिले मेरे को। तो इतने तुरंत 10-20 मिनट इकट्ठे ही हुए थे हमें। उसके बाद 112 नंबर गाड़ी आ गई, तो हम वहाँ पे 112 नंबर गाड़ी के पास पहुँचे, तो इसके घर वाले ने बैग में पैसे थे जो वो बाहर लेके आए, तो देखो उसमें काफ़ी करीब पैसे थे। कितने का? करीब देखो गिनती वहाँ पे नहीं किया था, तो उसके आधे घंटे बाद हमने वहाँ पे गिनती की। बताई दूँ मैं पब्लिक, पहले तो एनजी न्यूज वालों का धन्यवाद करता हूँ, इनको भी बधाई देता हूँ दिवाली की, और बम पटाखों से दूर रहे, जिस तरह पूरा गांव धूमधाम से दिवाली मनाए, मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ भाई। अच्छे ढंग से अच्छा खान पान वगैरह जिस तरह भी हो, नहीं बहुत अच्छी तरह से दिवाली मनाए जी। ठीक है, एनजी दिवाली। न्यूज का धन्यवाद यहाँ पे आने का। तो सभी गांव वासियों से यही निवेदन हमारा, सही ढंग से दिवाली मनाए अच्छे से, और बम पटाखों से दूर रहे, और मिलजुल कर गांव की एकता बना के रखे। जी और भाई धन्यवाद करता हूँ। मैं जब दिवाली है वो बड़ी खुशी के साथ मनाए सारे गांव मिलकर, और बम पटाखे आदि न जलाए क्योंकि ये बड़े हानिकारक होते हैं, प्रदूषण फैलता है, जिसे गांव में मतलब बढ़िया तरीके से मिलजुल कर धूमधाम से मनाए। NGTV का मैं मेरे गांव में पहुंचने हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरी एक अपील है बच्चों से कि जो ये बम पटाखे ना इनसे दूर रहे और अपनी अनेक खुशियां अलग ढंग से मनाए, बम पटाखे से दूर रहे और सारा गांव खुशी का वो है तो इसके तरीके से मनाए। धन्यवाद। पहले तो मैं NG न्यूज़ वालों का मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये 4-5 दिन पहले की बात है, तकरीबन हमारे गांव में दलबीर स्नोप रामचंद्र जो कि थोड़ा नशेड़ी सा टाइप का लड़का है, लेकिन वैसे ठीक है, हमने कभी ऐसी बातें उसकी नहीं सुनी,
और 4-5 दिन पहले की बात है, तो उसने एक नोटों का बैग उसके पास था। अच्छा। तो उसके घर पे उसका भाई ने जब उससे कोई उनको बात आया हुआ था उसके बारे में डिस्कस करी, तो उसने कहा कि मेरे पास नोटों की कोई कमी नहीं है। अच्छा। तो तब उसका भाई ने तो ये सोचा कि कोई 50,000 लाख या 2 लाख रुपए के करीब होंगे, लेकिन जब उसने नोटों का बैग देखा तो हमारा एक सुनील है जो उसकी दुकान करे है, नैन मोबाइल के नाम से दुकान है उसकी सुनील की, उसको तला दी। तो सुनील ने फिर पुलिस को तला दी, 112 नंबर को तला दी, और कौन सा बोला जाए सीए स्टाफ उनको, हाँ वो सब यहाँ मौके पे पहुंचे। तो गांव के कम से कम भी 250-300 आदमी इकट्ठे हो रहे थे, तो नोटों का बैग उनको बरामद करवाया गया, नोटों की गिनती करी गई, तकरीबन 18 लाख से ऊपर उनको पाया गया पैसा। कितना? 18 लाख, 16,500। हाँ, 500 रुपए के तकरीबन थे। और वो साथ में उसको लेके गए हैं दलवीर को, और साथ में वो पैसा सीआईए स्टाफ को दे दिया गया, उनकी साइन करा लिए 4-5 आदमी। उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया है, किसका था, किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं कराई। उसके बाद सभी लोगों के दिल में ऐसी भावना है कि वो पैसा कहीं कोई ऐसा वैसी जगह तो नहीं चला जाए, इसलिए हम ये अरदास करते हैं कि ये पैसा या तो जिसका पैसा है उसको मिला जाए, नहीं तो फिर ये पैसा वापिस पंचायत को करा जाए, ये पंचायत फंड से कोई गली बनाई जाए या कोई ऐसी जगह, हम ये चाहते हैं। दलवीर बताया, कुछ बताया नहीं? दलवीर ने उस टाइम पे थोड़ा नशा किया हुआ था। अच्छा। उसने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। हमें सुनने में आया कि नरवाना से ही जो ये LIC का रोड है ना, इसके पास से जो कचरा पड़ा हुआ है वहां से कोई बैग बरामद किया है, तो ये कई बार कचरा भी ढूंढता रहता है। अच्छा। तो उसने वहां से वो बैग की पुलिस वाले को रिपोर्ट दी है। तो पूरी पंचायत के सामने नोटों की गिनती गई? हाँ, बिल्कुल, पूरी पंचायत वहां थी, बिल्कुल वहां नोटों की अलग अलग सारे नोट गिन के बिल्कुल 18,16,000 रुपये पुलिस को गिना के दे दिए गए। तो क्या के गए थे प्रशासन पंचायत को इस बारे में? प्रशासन इसकी इंक्वायरी करने के बारे में बोला था कि ये पैसा किसका है, क्या है, कहाँ से लाया, क्या हुआ, कहीं डकैती पकैती क्या है, कुछ है, लेकिन उसके बाद उसको अगले दिन रिहा कर दिया गया। जिसके पास पैसा पता चला कि इसके पास से इतना बरामद हुआ, एक चाकी मोटर आई है, कुछ दोगी के टीन भी आए थे जिसमें मिठाई के डब्बे भी आए थे, बाकी उसके बाद जिसने जितना पैसा उछाड़ा है वो बरामद भी कराया, लेकिन जिसके पास कहाँ किसने कैसे आगे का नहीं पता कि इसने टोटल पैसा कितना इसके बैग में था। तो प्रशासन ने जो सामान ये लेके आया जो है वो भी लेके गए कब्जे में? नहीं, उसके फोटो लेके गए हैं, बाकी वो बोल के गए हैं कि इसको भी हम ले वहां वापसी करवाएंगे और इसका भी पैसा कवर करेंगे। अच्छा, जो सामान लेके आया, जो सामान जिसके यहाँ से आया उसको वापस देके पैसा कवर करेंगे। हमारी प्रशासन से ये अरदास है कि या तो इस पैसे का कोई असली वारिस बने, नहीं तो यह पंचायत को वापस पैसा लुटाया जाए, ताकि पंचायत इसको गांव के फंड में लगाए और इस लड़के का नाम भी रोशन हो। क्योंकि सेठी कभी कभी सेठ बने है, तो कोई ऐसा डकैती नहीं है बच्चा, नशेड़ी जरूर है, लेकिन उसने भी बहादुरी का काम करे है, जो पैसा वापिस दिया है, लेकिन उसको भी हम संभला। इस तरह है ना, तो काम ना पता था इसका बारे में भाई, तो सवेरे 2-3 घंटे बैर गया है नरवाना, यदि कोई खाली प्लाट में बैग मिले है वो, हाँ किकर का कर सी थी, इस तरह कबाड़ चुगण लग रहा था, हाँ LIC के आसपास कोई पार्क का नाम भी तो ले रहे थे, के नाम था पार्क का भाई, हाँ उस पार्क का लो था कोई खाली प्लाट, किकर वगैरह जाम रही थी उसमें, बोतल ले रहा था खाली खोली, फिर इसलिए बैग रखा मिले कबाट के अंदर। हाँ, फिर ये पूरा गांव में आया, जब परली साइड से गली में को फेंक के भी आया कुछ नोट, फिर इनका जमा भी करवा दिया गांव वाले ने, 7,000 थे 70,000 थे, 500-500 के थे, हवा में उड़ाए जा रहे थे, लोग पीछे पीछे थे इसके, जो बच्चे थे जी, बच्चे उठा रहे थे, बस बच्चे उठा रहे थे, 2,000 के भी नोट थे नहीं थे, 500 के थे, 2-3 गड्डी 200-200 की थी। तो कितनी देर ये मतलब चला ये ड्रामा सा 500 के नोट को उड़ाने का? मेरे लोग तो गांव में तो फोन आया था जी, हाँ मैंने को पता भी नहीं था, जब मैं गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था वहां पे। हाँ, तो पैसे कोस लिए थे उससे या फिर कहाँ? हाँ, पैसे 112 पे कॉल कर दी थी, उस पर छीन लिए थे पैसे, तो पुलिस ने आगे बरामद किए? हाँ, पुलिस ने बरामद करे। अच्छा, एक सौ बारह के बाद हाँ गांव वाला ने गिनाया, पुलिस ने गिनाया, गांव के लोग उन्होंने पूछने की कोशिश करी उस व्यक्ति से, पीछे कहाँ से ले, पूछा होता है, पूछने की कोशिश की है जी। क्या नाम था उसका वैसे? किसका? दलवीर, दलवीर। कितनी उम्र है उसकी?
उम्र होगी 40-42। दिमाग तो की तौर पे कैसा है वो? मैं ड्रिंक वगैरह करता है जी, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे ठीक है। पहले पूछा तो क्या पता चला भाई, पूछता भाई कहाँ से लाया पीछे? उस दिन नहीं बताया जी, उस टाइम पे। अच्छा, पहला कभी चोरी चारी मनाना? कुछ नहीं, सिर्फ खास बात। पुलिस प्रशासन से दोबारा बात हुई इस मामले को लेकर आपके? हाँ, उनने कहा जी पुलिस वाले ने, नले मामला आगे भेज दिए हैं। अच्छा, हाँ जमा कर दिया। तो आप एक पंचायत के मुखिया है, तो आपने क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस पैसों को लेकर? इन पैसों को लेकर देखो जी, सरकार का उसमें जा रही है, सरकार अपना से आप भी ठीक करो, मैं तो अभी चाहूँ। हाँ, लेकिन गांव के लोग तो ये कह रहे हैं, गांव के लोग देखो जी, गांव इकट्ठा हो जाएगा, इस बारे में फिर बात कर दी होगी।